डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो मेजर छह फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इन छह फैक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि ये छह फैक्टर्स कौन कौन से। देखो, सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा जो फैक्टर आता है नेचर ऑफ लिगेंड, तीसरा चिलेट इफेक्ट, फिर मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट या स्टीरिक हिंड्रेंस कहूंगा मैं, ये आता है। इन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, सेंट्रल मेटल आयन की जो का जो चार्ज है और उसका जो साइज है उस पर डिपेंड करता है कि एक कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा सेंट्रल मेटल आयन का, उतना वो लिगेंड्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, और जितना साइज ज्यादा होगा उतना वो उनको कम होल्ड करके रखेगा। या मैं ऐसा बताऊंगा कि जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितना साइज ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगी। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, कौन सा चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स की। यानी चार्ज ज्यादा होना और वॉल्यूम या रेडियस कम होना चाहिए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं कहूंगा फिर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में आयरन के दो कॉम्प्लेक्स है, एक में आयरन टू पॉजिटिव है, दूसरे में आयरन थ्री पॉजिटिव है। तो मैं ये कहूंगा कि स्टेबिलिटी के हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम पे चार्ज ज्यादा है, मैं कहूंगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इस लिगेंड को अपनी तरफ अच्छी तरह से होल्ड करके रखेगा, इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल और, जैसे मेरे पास में ये फेरिसाइनाइड और फेरोसाइनाइड के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहां पे आयरन टू पॉजिटिव है और यहां पे आयरन थ्री पॉजिटिव है, तो फिर मैं ये बता सकता हूं इजिली कि इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो इसमें ज्यादा स्टेबल ये रहता है, और रियलिटी में भी यही रहता है, क्योंकि इसका जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? चार्ज डेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगी रेडियस ऑफ एटम, और वो डिपेंड करेगी दूसरा सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहा हूं, दूसरा डिपेंड करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर। तो हमारे पास में जैसे आयरन था, आयरन में हमने देखा Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, तो मैं ये कह सकता हूं हमारे पास मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये जनरली ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। यानी सेंट्रल मेटल आयन पे जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो वहां पे वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जहां पे हमारे पास में ऐसे लिगेंड्स हो, ये लिगेंड्स जैसे लिगेंड हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या अमोनिया वाटर एटस्ट्रा या ऑक्सीजन, इन्हें सिग्मा डोनर लिगेंड्स, सिग्मा डोनर्स, तो ये हमेशा प्रेफर करेंगे किसको, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। यानी जनरली ये जो है ना स्टेबिलिटी इनके लिए है, यानी जहां पे सिग्मा डोनर लिगेंड्स रहेंगे वहां पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी स्टेबल होते हैं, है ना। तो कब स्टेबल होते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल आयन कब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जब उसके साथ में पाई एसिड लिगेंड अटैच हो, यानी पाई बॉन्डेड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर अटैच हो, पाई एसिड कहते हैं उसको। पाई एक्सेप्टर में कौन कौन सा लिगेंड आता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, इस तरह से ट्राई अल्काइल फॉस्फीन आता है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन आता है, बाइपिरिडाइल आता है या साइनाइड्स आते हैं, ये बनाते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऐसे लिगेंड्स, मान लीजिए ये मेटल आयन है, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ऐसे बनाया है बॉन्ड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की है पहले। अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में, या मैं बोलूंगा कार्बन जो है ना, कार्बन इसके साथ में जो अटैच,
इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाके इसके पाई एंटीबॉन्डिंग में जाता है, यानी ये इसको डोनेट करता है, मेटल आयन वापस डोनेट करता है लिगेंड को, उसको कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग या कहते हैं पाई एसिडिटी। उसकी वजह से क्या आता है, यहां पे आता है मेटल और लिगेंड के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसा कब होगा, ऐसा होगा तब जब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल वापस डोनेट नहीं कर पाएगा या नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी कम पॉजिटिव चार्ज में ही ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तभी देगा ये इधर, तभी जाके ये पाई बैक बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो ये याद रखना, जो ऐसे लिगेंड्स रहते ना जो जिनमें पाई बॉन्ड्स रहता है, पाई लिगेंड्स, यानी जब आपको लिगेंड के बीच में ऐसा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए ना, तो समझ लेना कि इसमें पाई एसिडिटी है, यानी लिगेंड जो है वापस एक्सेप्ट कर सकता है मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई बैक बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन सिग्मा ये तो हो गया, लेकिन सीएन जो है ना, सीएन नेगेटिव, ये भी पाई बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है और वीक पाई एक्सेप्टर, यानी ये प्रेफर करता है डोनेट करना न कि वापस एक्सेप्ट करना। तो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहां पे बनाएगा, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसके साथ में। मान लीजिए ये सीएन है, सीएन हमने लिया ये एफई टू पॉजिटिव के साथ में, यहां पे सीएन लिया हमने एफई थ्री पॉजिटिव के साथ में, थ्री पॉजिटिव के साथ में सीएन, इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनाएगा क्योंकि लिगेंड है, लेकिन यहां पे बैक बॉन्डिंग के चांसेस है, यहां पे बैक बॉन्डिंग के चांसेस कम है क्योंकि इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब लेकिन सिग्मा, ये जो सीएन जो है, सीएन प्रेफर करता है सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बैक बॉन्ड प्रेफर नहीं करता, इसलिए इसी के साथ में खुश रहेगा। हालांकि ये जो ना, ये पाई बैक बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन सिग्मा भी नहीं बनाना चाहता है पाई बॉन्ड, ये भी सिग्मा डोनर ही है, वीक पाई एक्सेप्टर है, तो इसीलिए इसके साथ में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यानी सीएन जो है, सीएन नेगेटिव साइनाइडो लिगेंड, वो प्रेफर करता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन्स। क्लियर, शाबाश। चार्ज डेंसिटी में हमने देखा पहले चार्ज, अब देखेंगे हम साइज, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। देखो, मैंने आपसे कहा था कि स्टेबिलिटी जो ना वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और ये चीज हमें इरविंग विलियम सीरीज में भी मिलती है। इरविंग विलियम सीरीज ये है, बेरियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, एफई 2 पॉजिटिव, सीओ 2 पॉजिटिव, एनआई 2 पॉजिटिव, सीयू 2 पॉजिटिव और जेडएन 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ये जो ना, ये साइज अगर हम, सॉरी स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये इस हिसाब से है इरविंग विलियम सीरीज में। ठीक है, कॉपर की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस सीरीज में, तो स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्सेस की वो बढ़ जाती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये बहुत आसान है। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये है ना, फिर यहां पे इसमें 3D ट्रांजिशन सीरीज में जाओ, उसमें देखो आप मन फी को नी कुजन, ये सीरीज है ये। देखो, अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ना कहीं पे भी, तो साइज बढ़ जाता है, अगर वापस आएंगे ऊपर तो साइज डिक्रीज होता है। इस तरह से अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो यहां से यहां जाएंगे ना तो साइज जो है, साइज डिक्रीज होगा आयन्स का, और मेटल्स का भी साइज डिक्रीज होगा, या मैं बोलूंगा रेडियाई डिक्रीज होंगी। तो इसका मतलब बेरियम का रेडियस सबसे ज्यादा, उसके बाद में स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर और लास्ट में जिंक। बात समझ में आए ना। अब यहां पे थोड़ी सी मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपको याद रखना चाहिए। देखो, बेरियम का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद में स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये डाइपॉजिटिव आयन्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और उसके बाद में निकल के बाद में कॉपर का साइज कम है, और उसके बाद में जिंक का साइज सबसे कम होना चाहिए, लेकिन जिंक का साइज कॉपर से ज्यादा है, जिंक का साइज कॉपर से ज्यादा है। क्लियर। अब अगर जिंक का साइज कॉपर से ज्यादा है, तो इसका मतलब इस सीरीज में कॉपर का साइज
कॉपर के मेटल आयन का साइज जो ना सबसे कम होगा, तो इसका मतलब उसका कॉम्प्लेक्स या उसका जो लिगेंड्स के साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर का, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हमने देखा यही। ठीक, अब अगर हम ग्राफिकली भी देखेंगे, अगर हम प्लॉट लेंगे लॉग ऑफ के यानी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट वर्सेज, और किसका लेंगे स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, किसका प्लॉट करेंगे हम, डायपॉजिटिव मेटल आयन का, तो यही जो इरविंग विलियम सीरीज है वही हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहां पे यह मिलेगा, देखो यहां पे बेरियम से लेके फिर कैल्शियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम मैग्नीशियम मैंगनीज, मैंगनीज में थोड़ा सा राइज होता है, फिर उसके बाद में स्मूथ रहता है ये, उसके बाद में कॉपर पे राइज होता है और जिंक पे वापस आ जाता है। अब कॉपर पे जो ना स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, यानी लॉग के सबसे ज्यादा होता है, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं। देखो सबसे पहले ये जो है ना बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम मैग्नीज सॉरी मैग्नीशियम वगैरह, इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, तो सी एफ एस सी जीरो, देयरफॉर इनका जो लॉग के है स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट जो है वो कम रहता है। अब कॉपर में मैंने आपको बताया कॉपर टू पॉजिटिव में लॉग के सबसे ज्यादा है, हाइएस्ट है, हाइएस्ट। ये जो लॉग के यानी स्टेबिलिटी जो कॉपर की सबसे ज्यादा ना, इट इज बिकॉज दैट कॉपर में जो है ना इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाती है। अब जिंक का ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों नहीं है कॉपर से, हालांकि जिंक उसके बाद में आता है कॉपर के बाद में, लेकिन जिंक में होता क्या है, जिंक में साइज जो है साइज वो लार्जर है देन कॉपर टू पॉजिटिव आयन, तो साइज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। और अब मैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बताता हूं क्या होता है। देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होती है, जब आपके ईजी स्पेशली ईजी, टी टू जी में भी होता है हालांकि लेकिन कम होता, अगर ईजी में ये है ना टी टू जी और ये है ईजी, अगर ईजी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड नहीं है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे आती है डिस्टॉर्शन, यानी कॉम्प्लेक्स जो है डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, उसमें से कुछ उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं एनर्जी लेवल में और कुछ ऊपर चले जाते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन की वजह से स्टेबिलिटी भी आती है, जिसको हम कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक, और कॉपर में कब होता है, कॉपर डी नाइन सिस्टम है, इसमें इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहां पे ईजी में, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक पे रिपल्शन ज्यादा होगा दूसरे पे रिपल्शन कम होगा, तो यहां पे इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन होगा, यानी इस डिस्टॉर्शन की वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है, जो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे चलते हैं। देखो ये हमने देखा साइज और चार्ज। एयरलैंड एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने इन मेटल्स को क्लासिफाई किया क्लास ए क्लास बी और बॉर्डरलाइन मेटल्स में, किसके बेसिस पे किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। जैसे क्लास ए में इसने क्या लिया, क्लास ए में लिए उसने वो आयन्स, उसने कहा क्लास ए में वो आयन्स आते हैं जो स्मॉल होंगे, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा यानी +3 एंड हायर, और इसमें हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स आएंगे जिनका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करेक्टर ज्यादा होगा, यानी जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ऐसे मेटल्स आएंगे, और इनका साइज मैंने कहा स्मॉल है, तो इसमें इजीली डिस्टॉर्शन नहीं आता है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो मेटल आयन्स हैं आप इनको पोलराइज नहीं कर सकते इजीली या डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, और ऐसे जो आयन्स रहते जो स्मॉल रहते हैं जिन पे चार्ज ज्यादा रहती है, इनको मैं कह सकता हूं कि ये हार्ड पॉजिटिव आयन्स है, हार्ड मेटल आयन्स है, या मैं कह सकता हूं इनको हार्ड एसिड्स। तो ये कब बनाएंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब जब इनके साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, यानी हार्ड बेस, ये मैं आगे समझा दूंगा कैसा होता है। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं क्लास ए में, इसमें आते हैं अल्कली मेटल्स,
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सारे आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जो पहले वाले जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम वगैरह जो रहते हैं ना, उनको कहते हैं लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन ये लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए, +3 या इससे ज्यादा। और इन मेटल्स को जो क्लास ए मेटल्स है ना, इनको क्या कहते हैं हम, हार्ड एसिड्स या हार्ड मेटल्स, मतलब इनका साइज कम और इनके ऊपर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना वो टाइटली बाउंड रहते हैं, वो जल्दी रिलीज नहीं होते, यानी इन मेटल आयन्स की बात कर रहा हूं। इनके जो पेरेंट मेटल्स है ना वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहते हैं, इन्हें जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लेकिन उनके उसके बाद में जो आयन्स बनते हैं उन आयन्स पे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड रहते हैं, वो फ्री नहीं रहते। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इजीली उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में हाईली इलेक्ट्रो यानी हाईली हाई पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड हो जाते हैं, तब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते और ये नॉन पोलराइजेबल भी रहते हैं। क्लियर? अब एग्जांपल से ही जल्दी समझ में आ जाएगा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्युमिनियम, गैलियम। अब देखो ये जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे ना अल्कली मेटल्स, तब बन जाती है इनकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इनका साइज छोटा रहता है ऑलरेडी और इनमें मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आती है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स मतलब दे नहीं सकते, इनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड रहते हैं। इसके बाद में इनमें भी ऐसा रहता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा उतना उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है? और ये मेटल्स जो है ना ये ज्यादातर फेवर करते हैं आयोनिक बॉन्ड, या मैं बोलूंगा फेवर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसे मेटल्स किसके साथ में प्रेफर करेंगे बॉन्ड बनाना, जो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे फ्लोरीन, फ्लोराइड के साथ में, या ऑक्सीजन के साथ में, या नाइट्रोजन के साथ में, इनकी इनसे दोस्ती अच्छी बन सकती है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, और इनके आयन्स जो है मेटल्स के उनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है? अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ना ये हार्ड मेटल्स हैं, दीज आर हार्ड मेटल्स या हार्ड एसिड्स, और ये जो है ये हार्ड बेसिस हैं। स्टेबिलिटी जो है ना हम हार्ड एसिड और हार्ड बेस के ऊपर डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं बताऊंगा क्या रहता है हार्ड एसिड हार्ड बेस, HSAB प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। ये जो कॉन्सेप्ट ये दिया था पियर्सन ने, किसने? पियर्सन ने। पियर्सन ने कहा कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में स्टेबिलिटी अच्छी बनाएगा, और सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हार्ड एसिड का मतलब क्या रहता है? वो मेटल आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। हार्ड बेस का मतलब क्या रहता है? वो नेगेटिव आयन, वो एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज छोटा, उसको कहते हैं हार्ड बेस। जैसे यहां पे मैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड की और आयोडाइड की बात करूंगा। ये वाला जो है ना, ये वाला फ्लोराइड, ये छोटा साइज है और चार्ज एक है। क्लोराइड इससे बड़ा साइज है, चार्ज एक ही है। ये इससे बड़ा है, चार्ज एक ही है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई है यहां पे। तो इसको मैं कहूंगा फिर ये हार्ड बेस है, हार्ड बेस है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो बेस, और अगर छोटा साइज तो हार्ड बेस, और इसको मैं कहूंगा सॉफ्ट बेस। तो ये हार्ड बेस जो है हार्ड एसिड के साथ में, यानी इनके साथ में अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसीलिए अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ हार्ड मेटल्स देखूं तो फ्लोराइड के साथ में ज्यादा स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू क्लोराइड, और क्लोराइड के मुकाबले में ब्रोमाइड के साथ में ज्यादा, मतलब ब्रोमाइड के मुकाबले में क्लोराइड के साथ में ज्यादा स्टेबिलिटी, और सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आयोडाइड के साथ में, क्योंकि आयोडाइड जो ये सॉफ्ट बेस है। क्या? ये सॉफ्ट बेस। इसी तरह से ऑक्सीजन छोटा साइज है तो हार्ड बेस, और टेलीरियम बड़ा साइज है तो सॉफ्ट बेस। तो हार्ड एसिड्स हार्ड बेसिस के साथ में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और सॉफ्ट बेसिस के साथ में कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब हम लेंगे क्लास बी मेटल्स,
क्लास बी मेटल्स में आएंगे सॉफ्ट एसिड्स, यानी वो मेटल्स आएंगे जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, जिनमें रिलेटिवली फुल डी ऑर्बिटल्स होंगे। ये याद रखना, इनमें रिलेटिवली फुल डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और जब ये अयान बनाएंगे तो उस अयान पे कम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और साइज जो है ना इनका लार्ज होना चाहिए। अगर साइज लार्ज होगा तो दीज वी कैन से दीज आर पोलराइजेबल। ऐसे क्लास बी मेटल्स को हम कहेंगे फिर दीज आर सॉफ्ट एसिड्स, या मैं कहूंगा सॉफ्ट मेटल्स। और इनके जो कॉम्प्लेक्स है ना वो भी करेंगे कौन सा करेक्टर फेवर, कोवेलेंट करेक्टर। जबकि क्लास ए क्या फेवर करते हैं, वो फेवर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करेक्टर। तो मैं ये कहूंगा कि इनके जो अच्छे कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो बनेंगे सॉफ्ट बेस के साथ में, या मैं बताऊंगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में इनकी अच्छी खासी दोस्ती बनेगी, या मैं बताऊंगा कि इनका जो दोस्ती बनेगी, इनका जो कॉम्प्लेक्स टेबल बनेगा वो बड़े आयन्स के साथ में बनेगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद लिगेंड्स हैविंग पाई ऑर्बिटल्स, जिनके ऊपर पाई ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। जैसे अगर किसी लिगेंड के साथ में इन्होंने इन मेटल आयन्स ने बॉन्ड बनाया तो इस मेटल आयन से वापस ये लिगेंड को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लिगेंड में पाई बॉन्ड होना चाहिए, इन्हें पाई ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और पाई ऑर्बिटल्स कहाँ पे होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में होते हैं, ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन में और ऑलफिन्स में। और इनके साथ में फिर ये बनाएंगे अच्छा खासा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्लास बी मेटल्स किन को कहूंगा मैं फिर, जिनके ऊपर चार्ज कम होगा और साइज ज्यादा, जैसे कॉपर है, कॉपर वन आयन, सिल्वर वन पॉजिटिव, गोल्ड वन पॉजिटिव, थैलियम, कैडमियम एंड सो ऑन, यहां तक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं निकल, कॉपर, जिंक, और निकल सीरीज में निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो इसके लिए याद रखने के लिए निकल को छोड़ दो, जिंक को छोड़ दो, फिर सब ये इन सब को ले लो, जैसे कॉपर पॉजिटिव, प्लेडियम डाई पॉजिटिव, प्लेटिनम टू पॉजिटिव, सिल्वर वन पॉजिटिव, गोल्ड वन पॉजिटिव, कैडमियम टू पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव। ये मर्क्यूरिक आयन है, ये मर्क्यूरस आयन है, दोनों आते हैं सॉफ्ट मेटल्स में या सॉफ्ट एसिड्स में कहूंगा। तो सॉफ्ट एसिड का किसके साथ में दोस्ती बनेगी ज्यादा, सॉफ्ट बेस के साथ में, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको जो ना ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का नटशेल में बताऊंगा आपको। तीसरा आता है बॉर्डरलाइन। बॉर्डरलाइन मेटल्स उनको कहते हैं जो 3D ट्रांजिशन सीरीज में रहते हैं, और विच आर लाइक दिस डाई पॉजिटिव 3D ट्रांजिशन सीरीज, जैसे Mn2 पॉजिटिव, Iron2 पॉजिटिव, Cobalt2 पॉजिटिव, निकल, Copper2 पॉजिटिव, Zinc2 पॉजिटिव। ये इरविंग विलियम सीरीज के मेटल आयन्स में बोल सकता है। इरविंग विलियम सीरीज में कैसा, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Cobalt2 पॉजिटिव, निकल2 पॉजिटिव, इससे ज्यादा स्टेबल बनाएगा ये वाला Copper2 पॉजिटिव और लास्ट में Zinc2 पॉजिटिव। क्लियर, शाबाश। अब इन क्लास ए, क्लास बी और बॉर्डर लाइन का मैं कंक्लूजन यहां पे बताऊंगा ताकि याद रह जाए। देखो पियर्सन क्या कहता है कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस, या सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, ये बनाते आपस में स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट और हार्ड के साथ हार्ड, तब बनेगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो बॉर्डर लाइन मेटल्स हैं वो सबके साथ में, सब लिगेंड्स के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स हैं उनका क्या होगा। देखो अगर मैं एक तरफ सॉफ्ट बेस ले लूं, जैसे बड़े बेस, बेस बड़ा यानी बड़ा एनायन, ठीक है, दूसरी तरफ से हार्ड बेस यानी छोटे एनायन, छोटे साइज के एनायन, वो ले लूं, उसके साथ में फिर मैं मेटल आयन्स के कॉम्प्लेक्स बनाऊं, तो देखो अगर हम छोटे एनायन से लेके बड़े एनायन की तरफ जाएंगे, यानी हार्ड बेस से सॉफ्ट बेस की तरफ जाएंगे, तो याद रखना कि स्टेबिलिटी उस कॉम्प्लेक्स की बनेगी, बढ़ेगी, जिसमें मेटल आयन भी सॉफ्ट होगा, यानी सॉफ्ट के साथ में सॉफ्ट मेटल आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, समझ में ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज विद सॉफ्ट मेटल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट। लेकिन अगर हम
हार्ड मेटल्स के साथ में बनाएंगी, तो याद रखना स्टेबिलिटी इस उल्टे ऑर्डर में बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना आप एनायन हार्ड करेंगे या हार्ड बेस लेंगे, उतना हार्ड मेटल के साथ में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हार्ड एसिड के साथ में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हार्ड मेटल या हार्ड एसिड से मतलब है मेरा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ये देखो यहां पे मेरे पास में ये सॉफ्ट सिल्वर जो है, ये सॉफ्ट एसिड है, इसका मैं बनाता हूं कॉम्प्लेक्स फ्लोराइड के साथ में, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब ये है सॉफ्ट, लेकिन फ्लोराइड है हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर मैं सिल्वर आयोडाइड देखूं तो ये सिल्वर भी सॉफ्ट है, आयोडाइड भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बनेगी, यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर, शाबाश। अब देखते हैं नेचर ऑफ लिगेंड, ये दूसरा फैक्टर है, लिगेंड पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो लिगेंड का देखना बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर मतलब सिंपली देखना कि उस पे चार्ज कितना ज्यादा और साइज कितना बड़ा है। बेसिक कैरेक्टर मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज ज्यादा होगा, जितना उसके के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, उतना वो इजीली मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इजीली दे सकता है, और उतना वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास में, यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन याद रखना, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और बेसिक करेक्टर और एक चीज पे भी डिपेंड करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैं कहूंगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना उसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा। जैसे फ्लोराइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे कम है, नाइट्रोजन की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका मतलब इजीली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, अगर इजीली डोनेट कर सकता है तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और फ्लोराइड जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। क्लियर। दूसरा जो लिगेंड्स का आता है वो आता है कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर में फिर से बताता हूं, जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतना वो पोलराइजेबल ज्यादा होगा, उतना वो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास में एक आयोडाइड आयन है, इसको ये इसका साइज है, दूसरी तरफ से फ्लोराइड आयन है, ये इसका साइज है, तो ये वाला जो है ये जितना बड़ा साइज होगा उतना वो इजीली पोलराइज होगा, उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा। जितना साइज कम होगा उतना वो पोलराइज नहीं होगा, उतना वो कम कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। तो अगर मैं सपोज यहां से AgI2 नेगेटिव से AgF2 नेगेटिव की तरफ जाऊं तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, है ना, और स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं उल्टा आ जाऊं तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज। उसके बाद में पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी, जो लिगेंड्स पाई बॉन्ड बनाएंगे यानी जो पाई एक्सेप्टर्स होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएंगे मेटल और लिगेंड के बीच में, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे पाई बॉन्डिंग में हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड और एल्कीन से ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन है, बाइपेरिडाइल ये है, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन है या डाइअल्काइल सल्फाइड है, तो ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ में। पाई बॉन्ड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर। अब चौथा जो है लिगेंड्स के बारे में वो है डायपोल मोमेंट। जितना डायपोल मोमेंट लिगेंड का ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखो अमोनिया का डायपोल मोमेंट इथाइल एमाइन से ज्यादा है और इथाइल एमाइन का डायपोल मोमेंट डाइइथाइल एमाइन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक। अब और एक इफेक्ट जो आता है, तीसरा फैक्टर, वो है चिलेट इफेक्ट। देखो चिलेट्स क्या करते हैं, चिलेट्स किस तरह स्टेबलाइज करते हैं। चिलेट का मतलब रहता है अगर एक मेटल आयन को एक लीगेंड, ये मान लो ये लीगेंड है और इसके पास में ये डोनर एटम्स है, ये दो दो डोनर एटम्स है, तो मैं इसको कहूंगा कि ये बाइडेंटेट, ये दो दो डोनर एटम्स से एक मेटल को पकड़ता है, तो ये इस तरह से क्रैब की तरह पकड़ता है। इस क्रैब को कहते हैं ग्रीक में चील,
और चील से निकला चीलेट। यानी अगर कोई लीगेंड दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स से मेटल को पकड़ता है तो वो उस पे एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, साइक्लिक रिंग बनाता है, एक रिंग बनाता है जिसको हम कहते हैं चीलेट। क्या कहते हैं? चीलेट। और जितने ही चीलेट ज़्यादा बनेंगे ना उतना कॉम्प्लेक्स के साथ में स्टेबिलिटी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि अगर कभी ये बॉन्ड एक बॉन्ड टूट गया तो दूसरा वहीं पर है, जब तक ये वापस जुड़ेगा तब तक ये अटैच है। तो एक बॉन्ड तोड़ना, सपोज एक मेटल आयन है उसके साथ में लीगेंड का एक बॉन्ड है, दूसरा मेटल आयन है उसके साथ में एक लीगेंड जो है उसके दो बॉन्ड है, यहाँ से भी बॉन्ड यहाँ से भी बॉन्ड। एक बॉन्ड तोड़ना ईजी है लेकिन दो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। तो दो बॉन्ड्स जो है वो दो हाथों से मेटल को जल्दी नहीं छोड़ता, इसीलिए चीलेट्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं। और जितने डोनर एटम्स से एक चीलेटिंग लीगेंड मेटल को ज़्यादा पकड़ेगा उतना ही उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। क्लियर? इसको कहते हैं चीलेट इफेक्ट, यानी चीलेट्स आर मोर स्टेबल देन नॉन चीलेटिंग लीगेंड्स कम्प्लेक्सेस। और जितना एक चीलेट में नंबर ऑफ रिंग्स ज़्यादा बनेगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बनेगी। ये चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। सपोज यहाँ पर कोबाल्ट, एग्जैक्वो कोबाल्ट, इसका रिएक्शन लगाते हैं हम अमोनिया के साथ में, तो छह अमोनिया छह वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे और ये कम्प्लेक्स बनेगा, कम्प्लेक्स नंबर वन। उसके बाद में मैं लगाता हूं एक बाइडेंटेट लिगेंड जिसे हम कहते हैं इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट, ये इन छह वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेगा और यहां पर तीन लिगेंड्स अंदर जाएंगे, ठीक है? और तीन लिगेंड जो ना दो दो डोनर एटम्स से इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पे एक रिंग बनेगी, यहाँ पे एक रिंग, यहाँ पे एक रिंग, तीन रिंग्स बन गई। जबकि और एक लिगेंड जो है और एक कम्प्लेक्स बना सकते हैं हम, अगर हमने डाइइथाइलिन ट्राइमीन लाया जिसमें तीन डोनर एटम्स हैं, वहाँ पे दो ही डाइइथाइलिन ट्राइमीन छह वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके इसके साथ में कम्प्लेक्स बनाता है। अब ये जो लिगेंड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लिगेंड है, इस लिगेंड ने यहाँ पे एक और दो रिंग्स बनाए मेटल के साथ में, जबकि यहाँ पे एक लिगेंड एक रिंग बनाता है, यहाँ पे लिगेंड कोई रिंग नहीं बनाता। बात समझ में आ गई? यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स ज़्यादा बनाता है लिगेंड, तो मैं बोलूँगा ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा स्टेबिलिटी इसमें क्यों आती है, हाई स्टेबिलिटी? तो रीज़न है इसका एंट्रॉपी, मैं बताऊँगा एंट्रॉपी कैसे। देखो अगर हमने सिर्फ ये रिएक्शन लगाया, यहाँ पे छः अमोनिया और एक कम्प्लेक्स, तो सात मॉलिक्यूल, सात मॉलिक्यूल हमने लगाए तो वापस भी हमको सात ही मिलेंगे। कैसे? हमको मिलेंगे हेक्सामीन कोबाल्ट प्लस ये छह वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? लेकिन अगर हमने यही रिएक्शन यहां पे लगाई, हमने यहां पे लगाया एक मॉलिक्यूल ये यानी कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा लगाया हमने तीन लिगेंड, तो कितने मॉलिक्यूल रहे यहां पर? यहां पर चार मॉलिक्यूल। लेकिन वापस कितने मिले? वापस मिला हमको ये एक कॉम्प्लेक्स, ठीक, और इसके साथ में ये छह वाटर मॉलिक्यूल, तो छह और एक हो गए सात, ठीक, क्लियर? तो यहां पे कितने थे? यहां पर चार ही थे, चार रिएक्टेंट, और लेकिन मिल गए सात प्रोडक्ट में, सात मॉलिक्यूल आ गए, सात स्पीशीज आ गई। अब यहां पे देखो एक कॉम्प्लेक्स और दो इथिलीन कितने हो गए? तीन। और जब हम ये रिएक्शन लगाएंगे तो ये छह वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेंगे तब ये दो लिगेंड्स अंदर जाएंगे, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस बनेंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? छह वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स बन गए प्रोडक्ट में? छह और एक सात मॉलिक्यूल्स। डाले कितने थे? दो और एक तीन, है ना? अब देखो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतनी खलबली बढ़ेगी, जितनी खलबली बढ़ेगी उतनी एंट्रॉपी बढ़ेगी, एंट्रॉपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी, है ना? और जितनी एंट्रॉपी बढ़ेगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे? वो मैं दिखाता हूं। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि इसमें एंट्रॉपी जो है डेल्टा एस थ्री वो सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर डेल्टा एस टू एज कम्पेयर डेल्टा एस वन। थर्ड कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा खलबली मचती है क्योंकि हमने दो ही सॉरी तीन ही मॉलिक्यूल डाले तो सात वापस मिल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े, जबकि दूसरे वाले में हमने चार मॉलिक्यूल डाले तो सात वापस मिल गए, पहले में सात यहां से डाले तो सात ही वापस मिल गए, ठीक है? अब देखो
अब अगर मैं फ्री एनर्जी के साथ में इसको रिलेट करता हूँ तो हम कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सपोज हम रखते हैं डेल्टा एच सभी कॉम्प्लेक्सेस के लिए सेम और ये रखते हैं हम नेगेटिव, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन एंट्रॉपी का क्या हुआ, एंट्रॉपी तो बढ़ रही है और सबसे खलबली कहां पे बढ़ती है, थर्ड में, तो यहां पे बढ़ती है सबसे ज्यादा एंट्रॉपी, ये याद रखना। तो फिर मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं ऐसे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, क्योंकि हमने माइनस डेल्टा एच रख दिया, माइनस टी और इनटू प्लस डेल्टा एस। डेल्टा एस बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा कहां पड़ रहा है, थर्ड कॉम्प्लेक्स में, यहां पे चिलेशन ज्यादा हो रही है, जहां पे नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा बन रहे हैं पर लिगेंड, ठीक। और हमें यह भी मालूम है कि डेल्टा जी इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट बाय दिस इक्वेशन माइनस आर टी लॉन के। तो इसका मतलब लॉन के किसके बराबर है, माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड डिवाइड बाय आर टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जितना डेल्टा एस बढ़ेगा उतना प्लस इंटू माइनस, माइनस वैल्यू यहां पर बढ़ेगा तो ये भी माइनस माइनस, यानी उतना ये डेल्टा जी जो है उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ये पॉजिटिव होगा, यानी उतना स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ेगा। यानी डेल्टा एस ज्यादा तो माइनस डेल्टा जी ज्यादा, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्लस लॉन के ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा, क्लियर। स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा होती है जहां पे एंट्रोपी चेंज ज्यादा होती है, क्लियर। अब आता है उसके बाद में लास्ट तीन, उसमें एक आता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जैसे हमने हीमोग्लोबिन देखा है, मायोग्लोबिन देखा है, हमने विटामिन B12 देखा है, क्लोरोफिल देखा है, या हमने कैलेक्सरेन्स वगैरह देखे हैं, उन सब में क्या होता है, वहां पे भी चिलेशन ही होती है, लेकिन एक ही मैक्रोसाइकिल जो है ना वो पूरा मेटल आयन को कवर कर लेता है, तो वहां पर भी चिलेशन ही होती है, चिलेट इफेक्ट ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्रोसाइकिल जो है ना वहां पे नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा बनते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो जितना मैक्रोसाइकिल ज्यादा बनेगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, उसको हम कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। और एक पांचवा जो है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, बाय डबल बॉन्ड करेक्ट। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे ये लिगेंड है, ये मान लो ये लिगेंड है, अब यहां पे इस लिगेंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, इसको अगर हम इसका हम रेजोनेंस कराएंगे, देखो यहां पे, फिर यहां पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो देयर इज कंजुगेशन, है ना, तो इसका मतलब रेजोनेंस होगा यहां पे, दोनों में रेजोनेंस होगा। अब अगर ये मेटल आयन के साथ में यहां पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये मेटल आयन के साथ में रेजोनेंस करेंगे, जिस तरह की यहां पे दिखाया मैंने, ये दिखाया मैंने, यहां पे रेजोनेंस कर रहे हैं, ये लिगेंड मैंने मेटल के साथ बनाए तो ये पाई बॉन्ड जो है ना ये रेजोनेंस कर रहे हैं, उससे क्या होता है मेटल और लिगेंड के बीच में एक डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्लियर, यहां तक तो ठीक है, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब लास्ट में मैं कहूंगा कि स्टीरिक इफेक्ट या स्टीरिक हिंड्रेंस। देखो लिगेंड्स में जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी ना उतना उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये बात याद रखना। जैसे हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहां पे भी लिगेंड है, ये लिगेंड, यहां पे भी लिगेंड, लेकिन यहां पे लिगेंड्स में देखो यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस है तो स्टीरिक रिपल्शन होगा, स्टीरिक रिपल्शन से यहां पे एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे काइनेटिक और